बदली सरकार के बदले फैसले हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कमलनाथ सरकार में फैसला लिया गया था कि महापौर का चुनाव अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, लेकिन इस फैसले को पलट दिया है शिवराज सरकार ने और ये तय कर दिया है कि महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे पहले की तरह। इस पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा पर हम लौट रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अब्बास हफीज जी, आपके पास आ रही हूँ। सर, जब आप लोग सरकार में आए थे तब कुछ फैसले आपकी तरफ से भी पलटे गए थे और अब एक फैसला आपका भी पलटा गया है जिसमें प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव किए जाएंगे, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं शिवराज जी के जो उस बयान को आपने दिखाया था उस पर बोलना चाहूंगा, जो मोदी जी के नाम के मायने बता रहे थे। एक बड़ा मशहूर शेर एक जमाने का, लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर को सभी शाह परस्त, जो उनके कहने वाले होते हैं, झुका के सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और क्या उनके निर्णय से नुकसान हो रहा है इस तरह के काम। खैर छोड़िए उस बात को, आपकी बात पे आता हूँ मेन, जो आपने भी पूछा। देखिए, किस बात पे ये क्या अध्यादेश लेकर आएंगे? अगर महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं कराए जाने के बजाय प्रत्यक्ष तौर पर कराएंगे तो क्या यहाँ पर अध्यादेश से कराएंगे? सदन की कार्यवाही तो नहीं चल रही है, यह एक स्पेशल सेशन बुलाएंगे और सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी शासित 10 या 12 राज्यों के अंदर जिस तरीके से हमारी सरकार ने करना, कमलनाथ सरकार ने उसको तय किया था, उसी तरीके से होते हैं जिसके अंदर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अप्रत्यक्ष तौर पे शुरू कराया था प्रत्यक्ष चुनाव को, इनडायरेक्ट चुनाव जैसे हमने किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो ये दो 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 चेहरे क्यों है? एक तो अपने राज्यों के अंदर नहीं कराते और यहाँ कराना है, वहां क्यों नहीं कराया, फिर सब जगह कराया, सर्वाधिक राज्य इनके पास हैं, ये किस तरह का है? और इस वक्त कोरोना महामारी में इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या जरूरी है? हम तो विरोध दर्ज करेंगे, हमने चाहा था कि एक हमारा एक साधारण पार्षद भी जो है वो भी महापौर की रेस के अंदर हो और वही महापौर बने, जो हमारे विधानसभा की जिस तरह से पूरी प्रतिक्रिया रहती है चुनाव की, इससे अंदर इनको आपत्ति क्यों है? ये बड़े बड़े आसामी सेठों को क्यों बनवाना चाहते हैं? ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं। धैर्यवर्धन जी, आइए जवाब दीजिए अब्बास हफीज जी की जो बातें हैं उनका जवाब दीजिए कि क्यों आप लोग ऐसा चाहते हैं, क्यों ये दोहरी बात जो है वो निकल कर सामने आती है, सवाल खड़ा कर रहे हैं। उत्तराखंड जैसे राहुल गांधी चीन पहुंच जाते हैं वैसे अब्बास भाई उत्तराखंड पहुंच गए, बात मध्य प्रदेश की हो रही, अच्छा हुआ रंगून नहीं चल। मैं विनम्रता पूर्वक इस बात का जवाब देना चाहता हूँ, राज्यों में होते हैं आपके, कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को गिरवी रखने का नहीं देंगे, वहां क्यों होते हैं, बंधक बनाने का प्रयास किया था नगरीय निकाय चुनाव। आप चाह रहे थे कि तमाम ताकतवर लोग पार्षदों की खरीद फरोख्त करके अध्यक्ष बन जाए, आप चाह रहे थे आप तमाम राज्यों में क्यों कराते हैं के नेता जो जनता से प्यार और आशीर्वाद दूसरे राज्यों में क्यों कराते हैं? क्या दूसरा देश उत्तराखंड नहीं? इसका जवाब दीजिए ना, वहां क्यों कराते हैं, यहां क्यों नहीं कराएंगे? मध्य प्रदेश की है, फिर बैठेंगे सब बातें करेंगे। बहुत बढ़िया जवाब नहीं है तो बहुत बढ़िया। बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें ताकि हम ये समझ पाए कि ये जो फैसला आप लोगों की तरफ से पलटा गया है वापस से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का, इसके पीछे क्या मंशा है, ये बहुत कम शब्दों से, टाइम बहुत कम है। मैं वही कह रहा हूँ जी। देखिए, भारत में 1992 के 74वें संविधान संशोधन में कुछ धाराएं जोड़ी गई, नगर निगम अधिनियम 1956 में बना, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में बना, सबके पीछे मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि स्थानीय शासन का निर्माण हो, आम जनता छोटे छोटे कामों के लिए अपनी शहर की अपनी गांव की सरकार बना ले, अपनी नगर पालिका सीमा की नगर निगम की एक अपनी स्थानीय सरकार बनाए। पर जब आप पैसे वालों को, ताकतवर लोगों को, पार्षदों को खरीद करके अध्यक्ष बनने का रास्ता खोल देंगे तो फिर आम जनता की भागीदारी कहाँ रह जाएगी? आम जनता का चेहरा तो वैसे ही बढ़ जाएगा। पार्षदों को खरीदा जाता है क्या? भाई पूरी बात कह लूं फिर आप कहीं राज्य भी गिना देना। मध्य प्रदेश में अब जो व्यवस्था करने वाली है शिवराज सिंह सरकार, उसके पीछे मंशा यही है कि अध्यक्ष के हाथ में बहुत सारे पर्स होते हैं, चाहे सफाई की बात हो, चाहे प्रकाश व्यवस्था की बात हो, चाहे सड़क नाली की बात हो। गुड गवर्नेंस जो है वो बीजेपी चाहती है, जिसके चलते ये प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला जो है वो लिया गया। मैं सुना दूं आपको कौन कौन से राज्यों के अंदर चुनाव आपके अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं। चलिए माफी के साथ ही आप दोनों को मैं रोक रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। गुजरात में अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं, क्या कहेंगे आप?
बिहार में अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं, क्या कहेंगे आप? आपके क्या वहां पार्षदों की खरीदो फरोख्त होती है या सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर आपको लगता है कि पार्षद बिक जाएंगे? ये कौन सा तथ्य है, ये कौन से तर्क हैं? आप पहले पूरे राज्यों के अंदर बदलिए, आप तो एक देश एक संविधान एक देश एक कानून सारी बातें करते थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, माफी के साथ आप दोनों को ही मैं रोक रही हूँ। तो देखिए, बदली सरकार यानी कि सत्ता बदलने के बाद अक्सर फैसले भी बदले जाते हैं। इसी कड़ी में फैसला बदला गया है कि जनता के हाथ में ही पावर दी जाएगी, वही महापौर चुनेंगे। ये फैसला शिवराज सरकार ने लिया है। हालांकि आप सुन रहे थे इस चर्चा में किस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता सवाल खड़े कर रहे थे कि अगर आप दूसरे राज्यों में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा सकते हैं तो मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत है। ये सवाल यहाँ पर विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर फैसला ले चुकी है। इसी के साथ तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहे बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।